पिंड गए कितना टाइम हो गया तेरे को? 7 साल पिंड कौन रहता है? नानी रहते कल्ले। नानी है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आए हो? सब बढ़िया होंगे। आज गाइस, आज 8 तारीख है और उठो के उठ चुके हैं, आंखों से पानी आ रहा है, नींद मैं तो लेट सोया था, मैं 2 बजे करीब सोया था और अभी सुबह के 7:30 हो चुके हैं। 7:30 में उठ गया था क्योंकि 7:10 पे रवि का फ़ोन आ गया था, एक बैग लेने जाना है अभी हमने, उसके लिए फ़ोन आया था तो कि भाई जल्दी चलना है क्योंकि कल 1-2 दिन में हमने कहीं घूमने भी जाना है, तो अभी आपको भी बताएंगे आज कि हमने घूमने कहाँ जाना है, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे थोड़ी सी कि कैसे निकलना है, कब निकलना है। वो चलते हैं अभी, थोड़ा पहले मेरे को रवि के पास जाना है तो थोड़ा हमारा काम है, फिर उसके बाद हमने आकाश से मिलना है, आकाश तिवारी से, क्योंकि जहाँ हमने घूमने जाना है तो वो भी जा रहा है हमारे साथ, तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं आज कहाँ जा रहे हैं हम। गाइस, तो अभी हो चुके हैं सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं बाहर आया हूँ। बाहर क्यों आया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्यों बाहर आया हूँ। मैं इसलिए बाहर आया हूँ, मैं यार तिवारी क्या काम करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा दिया कर। आज आज क्या हुआ तेरी बाइक में? ये नहीं डलाई है, देख रहा हूँ, मतलब एकदम ना नहीं नहीं डले तो क्या होता, क्या हो रहा था? तो बाइक ही खराब करता रहता है, जब भी देखो इसकी फिर बाइक खराब हो गई आज। वैसे तिवारी की बाइक ही खराब होती रहती है, जब भी देखो, पिछली बार भी आया था तब भी इसकी बाइक खराब थी, अभी भी इसकी बाइक खराब ही है, तो जब भी मेरे पास आता समझो इसकी बाइक ही खराब है। ठीक करा भाई, तो अच्छे से दिखाई, तो पंडित पंडित पूजा पूजा करवाई थी, पूजा रुकी पड़ी है बाइक की, करवाई तो ठीक करवा। ये बाइक ने गाड़ी मांग रही है अब, ये करी गाड़ी, हाँ अब ग्रेट। चलो और बता क्या बढ़िया है भाई, सीटी सूटी कम मारा कर, अभी तेरे को छेड़ा नहीं गया है। हेलो कैसी है कैफ, क्या हाल है कैफ, क्या हाल है कैफ, क्या हाल है? कौन है ये भाई, क्या हाल है भाई, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? रहा नहीं जाता ना, देख तो लो पर, अब दे ना इधर, दे ना इधर, वापस पैसे दो। अरे नहीं कुछ नहीं है, ले आइए वापस दो, ये दे दो वापस, पैसे दो, ये दो दे दिए ना, मेरा नहीं दे रहा है, दे दे यार मम्मी, ओए पैसे लेके भागे तेरे, हाँ जी पैसे दे दे यार, बच्चों के पैसे ले गए तूने, पैसे ले चल वापस ला, एक पीस में बच्ची होगा आपको। अरे दो दे दिए उनने, एक 100 का नोट दिया, गया 10 का दिया। वो तो मैं यहाँ पे था, ऐसे बच्चों के साथ ऐसे करेगा बच्चे देख के? अबे ऐसे मोड़ के दिया था थोड़ा, सही बात है, लग रहा है 10 का ना यार, क्या पैसे मोड़ के क्यों लाया, ऐसे पूरा दिखाना चाहिए था, 200 का नोट है। अरे बच्चों पैसे क्यों मांग रहे हैं ऐसे बच्चों के? तू और पहले कितने थे आपके? अंदर घर, अब चलते हैं घर के अंदर नहावा के, अभी निकलना भी है, रवि के पास जाना है, चलते हैं। चलो तो भाई अभी नहा के निकला हूँ, अभी 10:30 हो चुके हैं, तिवारी ने टाइम वेस्ट कर दिया मेरा काफ़ी ज़्यादा, तो अभी हम जा रहे हैं कपड़े पहन के, तो अब हम खा लेते हैं ये खाना फटाफट से, रवि का फ़ोन आया था तो हमने पहुँचना है फटाफट से। अपना खाना हो चुका है कम्प्लीट, खाना कम्प्लीट है, अब जो पैक किया वो डाल लेते हैं जेब में। खाना पैक किया है ये कार्गो की एलिफेंट में रवि के लिए, ये ना दोपहर को मेरे लिए, उसके लिए। तो गाइस मैं अभी वेट कर रहा हूँ रवि का, रवि के घर के नीचे खड़ा हूँ मैं, रवि का वेट कर रहा हूँ, रवि आ रहा है। तो गाइस ये आ गया रवि भाई, 15 मिनट से खड़ा हूँ, तू वेट क्या कर रहा है? आज तो त्यार श्यार लग रहा है, पैसा आ गया लग रहा है, पैसा आ गया साढ़े को पैसा चले। तो गाइज आज फिर हम सुबह सुबह अभी आ चुके हैं, आ चुके हैं सुबह सुबह अभी हम फिर गिलको इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे हमारा कल भी कुछ काम था, हमारे को अभी भी कुछ काम है, तो चलते हैं हम अंदर, आपको दिखाते हैं गिलको इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है वापस,
एकदम ऐसे पढ़ने जा रहा है कॉपी लेके हाथ में रवि, अब भी ठीक करके देता। चलो आज चलते हैं स्कूल में, यहाँ बच्चे खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए बना रखा ने बढ़िया। तो गाइस अभी अभी आए हम गिलको के ऑफिस में, यहाँ पे हम बैठे हैं मैं और रवि, क्यों हमारी थोड़ी सी मीटिंग है एक, तो उसके लिए हम आ रखे हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं हम, वेट तो क्या ही कर रहे हैं, शायद पानी का वेट कर रहे हैं क्योंकि जहाँ हम जाते हैं। गाइस अभी क्या हुआ, अभी हमसे ना पूछी कि चाय सर कॉफ़ी कुछ लोगे, तो रवि ने तो बोला हाँ, मैं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, चिट गया बेचारा फोटा थोड़ी रवि भाई बेचारे को कॉफ़ी पीनी थी 15 मिनट से बैठा हुआ है, मैंने मना कर दी, मैं कहा नहीं हम नहीं पीते जब पिलानी नहीं तो पूछते क्यों। गाइस अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, कहीं हमें और जाना है अभी, तो रवि चले फिर चलो हम निकलते हैं यहाँ से अब। तो गाइस मैं अभी आया हूँ फ्लावर मार्केट में, फ्लावर मार्केट में क्यों आया हूँ, फ्लावर मार्केट में मेरा फ्रेंड है आशु भाई, मैं आपको इससे मिलाऊंगा। वो मुझे 4-5 दिन से बोल रहा था भाई आ जा मिलना है तेरे से, मिलना है किसी वीडियो की रिगार्डिंग मिलना था उसने मेरे से, तो मैं मिल नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं अभी आया हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा है, मतलब देखते साथ ही ऐसा हो जाएगा, दिन तना वाली फीलिंग आएगी। तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अभी उसे उसका रिएक्शन, तो भाई पागल हो रखा बड़ा वो। तो चलते हैं उसके पास, वो पीछे खड़ा है मार्केट के, तो अभी चलते हैं उसके पास। तो ये हमारा आशु भाई गुस्से में नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो अभी मैंने जैसे बताया आपको आशु भाई गुस्से में था, हाँ आशु भाई गुस्से में, लेकिन आशु भाई ने कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि जो पीछे एक बंदा बैठा हुआ है डायरेक्टर है मुंबई में, उसकी टीम का बंदा है वो, तो आशु उससे ही मिलने के लिए आ रखा, उससे ही मिल बैठ के बातें कर रहा था। तो मैं गया तो शांत बैठा हुआ था, तो अभी पीछे फ़ोन पे बात कर रहा है आशु, अभी साइड में ले जाके गालियाँ दे रहा है, साले कहाँ था इतने दिन। तो इसलिए तो अभी थोड़ा शांत है, अभी वो बंदा जब चला जाएगा तो फिर उसके बाद देगा, थोड़ा बहुत पीटेगा मारेगा, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, आपको दिखाएंगे उसके बाद कुटाई। आशु भाई भी फ़ोन पे है, और जो डायरेक्टर की टीम से है वो भी बंदा फ़ोन पे है, ये बंदा भी पता नहीं कौन है ये भी फ़ोन पे है, सब फ़ोन पे है भाई। तो भाई आशु के पास से मैं आ चुका हूँ, क्योंकि उसके साथ में जो डायरेक्टर था वो थोड़ा पर्सनल बातें कर रहे थे, तो मेरे से जो बात थी वो तो मैं करके फटाफट से वहाँ से निकल गया। कुछ वीडियो की बात थी, एक वीडियो शूट करनी है, एक शॉर्ट मूवी है वो शूट करनी है, तो उसके लिए बुलाया था मुझे, तो मैं जा नहीं रहा था, तो वो तो मैं बच गया उससे आज की, मतलब मैं तो बहुत मारता हूँ, अगर डायरेक्टर ना होता ना उसके साथ, तो डायरेक्टर की टीम का बंदा उसके साथ रवि, ये रहा पीछे रवि, रवि के हाथ में क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ, दिखाना रवि भाई सर, ये देखो क्या क्या लेके रखते हैं, ये क्या क्या लेके रखते हैं, गिफ्ट है, तुम सुधरोगे कब, सुधरोगे वुमेंस डे है इसीलिए, ये नहीं सुधरेंगे वुमेंस डे पे भाई साहब, वाइन वाइन लेके घूम रहे अपने साथ, पता नहीं भाई क्या करना है उन्होंने वाइन का। तो अब चलते हैं, भाई ने देनी है किसी को वाइन, तो अब हम जा रहे हैं वाइन देने के लिए, तो चलो। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, हम जा रहे हैं अभी नवाशहर, नवाशहर में ये वाइन की बोतल देने जा रहे हैं, किसी को हमने वाइन की बोतल देनी है, तो हम वहीं जा रहे हैं। हम हो चुके हैं अभी बहुत ज्यादा परेशान, हम अभी है रूपनगर में, गोल 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 घूम घूम के घूम घूम के, ये पीछे एक नहर है बहुत तगड़े वाली इस साइड, ठीक है, और इस साइड भी नहर है, ठीक है। तो हमें ना रास्ता, हम पागल हो गए भाई, हमें ना ये ला जो ये पीछे गेट है ना, इस गेट की वजह से परेशान हो गए, हमें गेट यहाँ पे ले आया और यहाँ से अलाउड नहीं है, अब हमें 32 किलोमीटर दूर से घूम के ये यहाँ पे आना है सामने, 32 किलोमीटर दूर घूम के आना है, मैं यहाँ से बस 4 किलोमीटर और दूर जाना है। तो हम ये सोच रहे हैं अब कि बाइक यहाँ से पैदल, अब यहाँ से पैदल चले जाए, तो अब हम जो हमारी वाइन है मेरा तो डिलीवरी नहीं हो रहा, मैं लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा तो वाइन है जो हमारी, तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो चुकी है, वाइन देनी है आज ही यार देनी है, तो भाई अभी हम कर रहे हैं प्रयास, तो अभी देखते हैं, चलो भाई अब कुछ करते हैं, बाइक निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जाली लगी हुई है ये, तो बाइक निकालते हैं चलो। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी वाइन लेके, जहाँ पे हम आए थे वाइन देने के लिए, मैं और रवि वाइन लेके आ चुके हैं, अंकल जी को देनी है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम, तो अब अंकल जी को देनी है हमने वाइन,
जी अंकल जी, ये लो जी, ये लो अंकल जी आपका गिफ्ट। थैंक यू। पिंड गए कितना टाइम हो गया तेरे को? सात साल। नानी रहने कल्ले। अच्छा, नानी है और दो भरा रहने। इंट्रोडक्शन चल रही है तभी। अच्छा आंटी जी बाय बाय अंकल जी। तो गाइस हम हो चुके हैं फ्री एकदम, जो हमने काम करना था वो हमारा जो चैलेंज था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे हाथ, अब हम निकलेंगे घर की तरफ को, चंडीगढ़ की तरफ को। आज तो मतलब ना तूफानी दिन था, आज तो तूफानी दिन था हमारा, तूफानी बहुत सारे काम कर रहे थे आज, सारे काम कर रहे थे, तूफानी दिन बोलते ना जैसे जिंदगी का सबसे खतरनाक तूफानी दिन वो आज था हमारा। चलो अब हम चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। ओके गाइस अभी हो चुकी है रात, मेरे नींद अभी खाना वाना खा लिया, अभी 12 बज चुके हैं, थोड़ा दूध पी रहा हूँ, उसके बाद सोते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।